ये उत्साह आप देख रहे होंगे साहब के सामने, अब कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, ये कार्यकर्ताओं का सम्मेलन गर्मी को देखते हुए सब लोगों की राय है कि ये अंदर हॉल में होना चाहिए जिसमें 2,000-3,000 आदमी आ जाए, लेकिन जनसंख्या ऐसा डर लग रहा है कि वो ज्यादा ना बढ़ जाए, उसकी व्यवस्था के लिए विचार किया है कि क्या कर सकते हैं आगे टेंट लगा के हॉल के आगे और बढ़ा दे। अब 300 आदमी यहाँ है, उम्मीदवार जो हमारे दावेदार हैं उनसे रिक्वेस्ट किए भी कम से कम 50 या 100 आदमी लेके आएंगे, तब भी 6,000 से 7,000 आदमी होता है, तो होल हमारा जो है वो कैपेसिटी है 2,000 की बता रहे हैं, लेकिन अब देख रहे हैं उसके आगे और व्यवस्था के लिए अब जा रहे हैं हम सब वहीं पर, और व्यवस्था बढ़ जाए क्योंकि गर्मी बहुत है, इतनी गर्मी में बाहर कर नहीं सकते, ये तो कार्यकर्ताओं की वजह जन रैली हो जाएगी ऐसा लगता है, तो हम उस व्यवस्था में है भी सभी लोग जी, मतलब जन रैली भी कार्यकर्ता सम्मेलन है, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री धन्यवाद कार्यकर्ता धन्यवाद जनता जींद की 22 तारीख को 11 बजे श्याम गार्डन में, 22 तारीख को 11 बजे श्याम गार्डन में एक धन्यवाद वर्कर मीटिंग है, साहब उदयवान जी, दीपेंद्र जी और कांग्रेस जयप्रकाश जी, ब्रह्मचारी जी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण अपने कार्यकर्ता साथियों का जिन्होंने इस जीत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जिला सत्र का है, ये जो जींद जिला के 5 विधानसभा क्षेत्र है उनका ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, तो जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के जो जींद जिला में 3 सांसद जो बने वो तीनों के तीनों कांग्रेस पार्टी के बने हैं, जींद जिला 3 लोकसभाओं में लगता है, वो उन कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी और दीपेंद्र जी और जयप्रकाश जी, ब्रह्मचारी जी और कांग्रेस के दूसरे वरिष्ठ नेतागण धन्यवाद करने के लिए वर्करों का धन्यवाद करने के लिए आ रहे हैं। ब्रह्मचारी जी, आप लोकसभा सोनीपत सीट पे एमपी बनने के बाद जितने पहली बार पत्रकारों से आप रूबरू हो रहे हैं, तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है जींद के अंदर, तो उस क्या है कि फाटक है रोहतक रोड, और उस फाटक को जो है रास्ता मतलब जींद के 2 टुकड़े हो, तो आपसे मतलब आप क्या उम्मीद लगाए जींद वासी कि उस पे आप कितनी जल्दी संज्ञान लेंगे और उसको कितना जल्दी ये आप कार्य करवाएंगे? देखिए मंत्री बन गए, रेलवे के जो मंत्री बने उनसे व्यक्तिगत रिक्वेस्ट करेंगे, हमारी मांग थी सोनीपत के लिए, आपने अखबारों में पढ़ा होगा सरकार धीरे धीरे उस लाइन पे आ रही है, और जब तक हम पूरा दबाव रखेंगे, जब तक सोनीपत में ट्रेनें नहीं रुक रही थी, मेट्रो का काम था वो चालू होने की संभावना है, नहीं होगी तो उसके लिए आंदोलन करेंगे। मेट्रो का नहीं है, ये जींद की फाटक की बात है ना, देख लीजिए फाटक में क्या और क्या समस्या क्या नहीं है, तो भाई जींद में अंडरपास बना दिया उससे पहले, अंडरपास की दिक्कत है, बारिश में तो पानी भर जाता है, तो ये फाटक खुलना चाहिए, जींद की जो आवाज होगी वो आवाज संसद में बोलेगी कि फाटक क्यों नहीं पास हुआ है। कर्मचारी जी उसमें कार्य शुरू नहीं हुआ, कार्य शुरू हो जाएगा जल्दी, अगर टेंडर पास हुआ है तो 100% काम कराने को। कर्मचारी जी आपने हरिद्वार में रोड शो किया, क्या उस 22 तारीख को जींद में भी रोड शो यही जुलूस निकालेंगे आप? ये जुलूस ही रोड शो तो अपने आप हो जाएगा, मुझे तो डर लग रहा है कि जींद जाम ना हो जाए 22 तारीख। देखिए सारा पहले युवाओं के लिए तो रोजगार की बात है, सिडकुल की बात है, औद्योगिक क्षेत्र जिसको बोलते हैं, जींद और सफेदों के बीच में जिस दिन कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आ जाएगी उसके 1 महीने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे आगे आने वाले, मैं तो विधायक ही कहता हूँ, सुभाष जी और जींद से जो विधायक आएंगे, दुलाना से जो विधायक आएंगे, चाणा से जो विधायक आएंगे, निर्माणा से जो आएंगे, जींद जिले के लिए औद्योगिक क्षेत्र की मांग करेंगे, जींद के आगे आज भी पिछड़ापन लगता है, वो पिछड़ापन दूर करने के लिए जो भी काम होगा उसको करने का काम करेंगे, जनता के सामने रहेंगे, जनता के बीच में रहेंगे, अब ढूंढना नहीं पड़ेगा कि एमपी कहाँ चला गया, एमपी खुद आपके द्वार होगा। लेकिन आप अपने विधायक दिए वहाँ से आप चुनाव हारे, इसके पीछे क्या कारण? वहाँ चुनाव नहीं हारे, जहाँ मेरा घर है ना वहाँ मुझे 90-95% वोट मिला है, सफेदों विधानसभा एक अलग तरह की विधानसभा है,
वहाँ हम तो बहुत ठीक रह गए, मैं तो 10,000 की हार मान रहा था, 25-30 की जींद में मान रहा था। मैं बधाई देना चाहता हूँ जींद के सम्मान नागरिकों को, सफेदों के नागरिक मतदाताओं को, कि उन्होंने बहुत अच्छा वोट प्रतिशत डाला है। आज जींद में हम सीना चौड़ा करके चल सकते हैं और हुड्डा साहब खुद कहेंगे धन्यवाद जींद, धन्यवाद जींद, जींद में क्या 2900 की लीड रही है, वो भी अगर 5 दिन और मिल जाते और जीतते थे। ब्रह्मचारी जी, जब परिवार में नया सदस्य आता है उससे परिवार में जुड़ाव भी हो सकता है, तो जैसे आप जींद पूरे जींद जिले की आप संसभा धन्यवाद कर रहे हैं, क्या उम्मीद की जा सकती है कि सिरसा से सांसद कांग्रेसी सांसद है क्या वो भी उसमें उस मंच पर? देखिए मैं बहुत दूसरे तरीके का आदमी, मैं सबका सम्मान करता हूँ और सम्मान में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता हैं, जो भी आएगा सतपाल ब्रह्मचारी इसका स्वागत करेगा, यहाँ के नेता हमारे स्वागत करेंगे। कांग्रेस एक परिवार है, सब तो सब जगह एक साथ जा नहीं सकते, लेकिन जो भी आएगा यहाँ हम उसका सम्मान करेंगे। मेरे से पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दावा था, उनके ही एक उनका टिकट था और उनकी वजह से मैं सतपाल ब्रह्मचारी यहाँ चुनाव लड़ा, एक क्या बोलते हैं नुमाइंदा के तौर पर। उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है, वे खुद भी लड़ सकते थे और किसी को भी लड़ा सकते थे, लेकिन सतपाल ब्रह्मचारी को लड़ाया। मैं उनके विश्वास पे खरा उतरूंगा, जो भी नेता आएगा, सब हमारे आदरणीय नेता है, हाई कमान है, दूसरे हरियाणा के नेता है, जो भी आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। ब्रह्मचारी जी, आप कहते हैं कि भी आपको कांग्रेस के जो आपके यहाँ स्थानीय नेता रहे थे तो उन्होंने आपको जितवाने में सहयोग किया, लेकिन अगर हम बूथों की बात करें तो लास्ट में अंतिम में जो आपके जितने भी यहाँ के कैंडिडेट अपने आपको कहते हैं भी हमें टिकट चाहिए, अगर हम उनकी बूथों की बात करें तो वहाँ तो आप सिर्फ 2 बूथों को छोड़ के बाकी तो आप सब पे हार रहे हैं, तो क्या आप ये मानते हैं कि आपके यहाँ के नेताओं ने आपको जिताया है या आपके प्रति कोई पब्लिक का प्यार है? देखिए नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं का भी प्यार था, दिशा निर्देश नेता देता है और कार्यकर्ताओं में जोश था, जनता में जोश था, मतदाताओं में जोश था, सबकी वजह से तो ये लीड पूरी हुई। मैं खुद चिंतित था कि मैं 20,000 से या 15,000 से जो लोग कह रहे थे सतपाल ब्रह्मचारी हार के जाएगा जींद से, लेकिन इन नेताओं की, इन कार्यकर्ताओं की वही तो देन है जो मैं आज 2700-2800 वोट से यहाँ पे आ रहा हूँ, 2900 के आसपास से।